हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लाई हूँ जीरा पाचक। तो चलिए देखते हैं इसे एक बार कैसे बनाते हैं। 3 टेबल स्पून हम जीरा लेंगे और इसे हम गैस ऑन करके भून लेंगे, क्योंकि भुना हुआ जीरा का पाचक बहुत ही टेस्टी लगता है, इसीलिए हम इसे भून लेते हैं। जीरा भुना चुका है, अब इसे मिक्सी के जार में डालकर हम इसे पीस लेते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे एक बॉल में डाल लेते हैं। और फिर मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून जीरा लिया था और 4 टेबल स्पून हम इसमें आमचूर पाउडर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और एक टेबल स्पून हम इसमें काला नमक लेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम सेंधा नमक लेंगे। आप चाहे तो सादा नमक भी ले सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक डालने से आप भरते में भी खा सकती हैं। और मैंने यहाँ पर 8 चम्मच पिसी हुई चीनी डाला है, क्योंकि 4 टेबल स्पून मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला था, उसके खट्टापन को थोड़ा सा कम करने के लिए हम इसमें 8 चम्मच मैंने चीनी लिया है। और इसे अच्छे से चीनी को हम मिला लेते हैं। आप हाथों से इसे अच्छे से मिला लें ताकि ये ढेले जैसा ना रह जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम लेमन जूस इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसे आटे की तरह सान लेना है, टाइट ही सानना है, गीला नहीं, नहीं तो इसकी गोली अच्छे से नहीं बनेगी। मैंने यहाँ पे इमली यूज नहीं किया है। इमली, जैसे कि आप जानते हैं कि इमली फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन लेमन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नींबू का जूस यूज किया। ये देखिए आटे के पूरे मेरा लोई तैयार है। अब इसे छोटे छोटे गोल गोल करा करके आप पाचक की तरह बना लें। अब जिस भी शेप में चाहते हैं उस शेप में बना लें। और मैंने पीसी हुई चीनी ऊपर से डाल दिया है ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। और आप इसे शीशे की जार में रख कर स्टोर कर सकती हैं, आप इसे साल भर भी रख सकती हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और खाने के बाद आप रोज़ रोज़ एक एक गोली ले